बाबा जी आपका बहुत शुक्र है आपने बहुत अच्छी फैमिली दी वाइफ दी किडिंग जर्नी बट बाबा जी एक क्वेश्चन है कि लाइफ की एम्बिशंस काफ़ी होते हैं और ऐसे लगता है कि अगर एम्बिशन ज़्यादा रखें तो संत मत पीछे जा रहा है तो बैलेंस नहीं बनता है नहीं बेटा मैं नहीं मानता हूँ कि एम्बिशन बुरी है बेटा एम्बिशन किसी इंसान के आगे नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा बेटा ये भी तो एम्बिशन ही है कि मैंने भजन सिमरन करना है मैंने मालिक से रिश्ता जोड़ना है ये भी हाँ। हम आगे बढ़ के करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हाँ जी है। बुरा है कि जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं असूलों की कुरबानी दे के उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं वो बुरा है बेटा सो so, इसलिए आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है मगर साथ में एक बैलेंस रखना चाहिए क्योंकि जिस चीज़ को आप छोड़ेंगे ना वही आगे जाके तंग करेंगे इंसान सोचता है मैं पैसे कमा लूँ मैं उहदे पे पहुँच जाऊँ फिर मैं ध्यान दूंगा आपको फिर 20-15 साल उस चीज़ को हासिल करने में लग जाते हैं उस वक़्त में बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है फिर आपको वक़्त होगा फिर उनको वक़्त नहीं होगा तो सभी चीज़ों को साथ लेके चलना है बेटा ठीक है जी बाबा जी एक अरदास है कि इतने जैसे अभी एक्सपीरियंस हो गया है आई एम ट्राइंग टू बैलेंस द लाइफ एंड स्पिरिचुअल पाथ तो दया करें कि वर्ल्डली काम थोड़े ऑटो में हो जाए ताकि मैं सेवा अंदर की और बाहर की कट के कर सकूँ जो करना है हमने करना है बेटा उसका फायदा नुकसान हमारा है अब 24 घंटे हैं 24 घंटे बहुत वक्त होता है जिम्मेवार भी निभाएं परिवार को भी वक़्त दें और भजन सिमरन भी करें बेटा हाँ जी अब हम हर वक़्त सोचते हैं कि दूसरा हमारे लिए कर दे ये काम कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए बेटा जैसी करनी वैसी भरनी जिसकी करनी होगी वो ही निभाएगा बेटा सो आप किसी झूठी तसली में ना रहें कि कोई और आपके लिए ये कार्य कर सकता है बेटा